नमस्ते, माधविक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना साहित्य का मूल पाठ करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करें साहित्य का मूल पाठ। ज्ञान राशि के संचित कोष ही का नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिणी की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। उसकी शोभा, उसकी श्री संपन्नता, उसकी मान मर्यादा उसके साहित्य ही पर अवलंबित रहती है। जाति विशेष के उत्कर्ष अपकर्ष का, उसके ऊंच नीच भावों का, उसके धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटना चक्र और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब देखने को यदि कहीं मिल सकता है तो उसके ग्रंथ साहित्य में मिल सकता है। सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक आसक्ति या निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता तथा सभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य ही है। जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता आपको दिख पड़े, आप निसंदेह निश्चित समझिए कि वह जाति असभ्य की वह अपूर्ण सभ्य है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने ही में मिल सकती है। इस आईने के सामने जाते ही हमें तत्काल मालूम हो जाता है कि अमुक जाति की जीवनी शक्ति इस समय कितनी या कैसी है और भूतकाल में कितनी और कैसी थी। अब भोजन करना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, आपका शरीर क्षीण हो जाएगा और अचिरात नासोन्मुख होने लगेगा। इसी तरह आप साहित्य के रसास्वादन से अपने मस्तिष्क को वंचित कर दीजिए, वो निष्क्रिय होकर धीरे धीरे किसी काम का न रह जाएगा। बात यह है कि शरीर के जिस अंग का जो काम है वह उससे यदि न लिया जाए तो उसकी वह काम करने की शक्ति नष्ट हुए बिना नहीं रहती। शरीर का खाद्य भोजनीय पदार्थ है और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य। अतएव यदि हम अपने मस्तिष्क को निष्क्रिय और कालांतर में निर्जीव सा नहीं कर डालना चाहते तो हमें साहित्य का सतत सेवन करना चाहिए और उसमें नवीनता तथा पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते जाना चाहिए। पर याद रखिए, विकृत भोजन से जैसे शरीर रुग्ण होकर बिगड़ जाता है उसी तरह विकृत साहित्य से मस्तिष्क विकारग्रस्त होकर रोगी हो जाता है। मस्तिष्क का बलवान और शक्ति संपन्न होना अच्छे ही साहित्य पर अवलंबित है। अतएव यह बात निश्चित है कि मस्तिष्क के अत्यष्ट विकास का एकमात्र साधन अच्छा साहित्य है। यदि हमें जीवित रहना है और सभ्यता की दौड़ में अन्य जातियों की बराबरी करना है तो हमें श्रम पूर्वक बड़े उत्साह से सत साहित्य का उत्पादन और प्राचीन साहित्य की रक्षा करनी चाहिए। और यदि हम अपने मानसिक जीवन की हत्या करके अपनी वर्तमान दैनीय दशा में पड़ा रहना ही अच्छा समझते हों तो साहित्य निर्माण के आडंबर का विसर्जन कर डालना चाहिए। आँख उठाकर जरा और देशों तथा और साहित्य जातियों की ओर तो देखिए, आप देखेंगे कि साहित्य ने वहाँ की सामाजिक तथा राजकीय स्थितियों में कैसे कैसे परिवर्तन कर डाले हैं। साहित्य ने वहाँ समाज की दशा कुछ की कुछ कर दी है, शासन प्रबंध में बड़े बड़े उथल पुथल कर डाले हैं, यहाँ तक कि अनुदार और धार्मिक भावों को भी जड़ से उखाड़ फेंका है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। यूरोप में हानिकारक धार्मिक रूढ़ियों का उत्पादन साहित्य ही ने किया है,
जातीय स्वातंत्र के बीज उसी ने बोए हैं। व्यक्तिगत स्वातंत्र के भावों को भी उसी ने पाला पोसा और बढ़ाया है। पति देशों का पुनरुत्थान भी उसी ने किया है। पोप की प्रभुता को किसने कम किया है? फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन और उन्नयन किसने किया है? पदाक्रांत इटली का मस्तक किसने ऊंचा उठाया है? साहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने। जिस साहित्य में जितनी शक्ति इतनी शक्ति है, उस साहित्य मुर्दों को भी जिंदा करने वाली संजीवनी औषधि का आकार है। जो करने वाला है उसके उत्पादन और संवर्धन की चेष्टा जो जाति नहीं करती, वह ज्ञान अंधकार के गर्त में पड़ी रहकर किसी दिन अपना अस्तित्व ही खो बैठती है। अतएव समर्थ होकर भी जो मनुष्य अपने महत्वशाली साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहीं करता, अतः उससे अनुराग नहीं रखता, वह समाजद्रोही है, वह जातिद्रोही है कि बहुना वह आत्मद्रोही और आत्महंता भी है। कभी कभी कोई समृद्ध भाषा अपने ऐश्वर्य के बल पर दूसरी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, जैसे जर्मनी, रूस और इटली आदि देशों की भाषाओं पर फ्रेंच भाषा ने बहुत समय तक कर लिया था। स्वयं अंग्रेजी भाषा भी फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के दबाव से नहीं बच सकी। कभी कभी यह दशा राजनीतिक प्रभुत्व के कारण भी उपस्थित हो जाती है और विजित देशों की भाषाओं को विजेता जाति की भाषा दबा लेती है। तब उनके साहित्य का उत्पादन यदि बंद नहीं हो जाता तो उसकी वृद्धि की गति मंद जरूर पड़ जाती है। यह अस्वाभाविक दबाव सदा नहीं बना रहता। इस प्रकार की दबी या अधपतित भाषाएं बोलने वाले जब देहोश में आते हैं तब वे उस अनैसर्गिक आच्छादन को दूर फेंक देते हैं। जर्मनी, रूस, इटली और स्वयं इंग्लैंड चिरकाल तक फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के मायाजाल में फंसे थे, पर बहुत समय हुआ उस जाल को उन्होंने तोड़ डाला। अब वे अपनी ही भाषा के साहित्य की अभिवृद्धि करते हैं, कभी भूल कर भी विदेशी भाषाओं में ग्रंथ रचना करने का विचार नहीं करते। बात है कि अपनी भाषा का साहित्य ही जाति और स्वदेश उन्नति का साधक है। विदेशी भाषा का चूड़ान्त ज्ञान प्राप्त कर लेने और उसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ रचना करने पर भी विशेष लाभ नहीं पहुंच सकता। अपनी माँ को निःसहाय, निरुपाय और निर्धन दशा में छोड़कर जो मनुष्य दूसरे की माँ की सेवा शुश्रूषा में लगा होता है, उस अधर्म की कृतज्ञता का क्या प्रायश्चित होना चाहिए? उसका निर्णय कोई मनु याज्ञवल्क्य या अपस्तंभ ही कर सकता है। मेरा मतलब यह कदापि नहीं कि विदेशी भाषाएं सीखनी ही ना चाहिए। नहीं, आवश्यकता, अनुकूलता, अवसर और अवकाश होने पर हमें एक नहीं अनेक भाषाएं सीखकर ज्ञान अर्जन करना चाहिए। द्वेष किसी भाषा से न करना चाहिए। ज्ञान कहीं भी मिलता हो उसे ग्रहण ही कर लेना चाहिए, परंतु अपनी ही भाषा और उसी के साहित्य को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि अपना, अपने देश का, अपने जाति का उपकार और कल्याण अपनी भाषा के साहित्यिक उन्नति से हो सकता है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म और राजनीति की भाषा सदैव लोक भाषा ही होनी चाहिए। अतएव अपनी भाषा के साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि करना सभी दृष्टियों से हमारा परम धर्म है। इसी के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना साहित्य का मूल पाठ पूरा हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में राय बलेरी जिला के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने रेलवे में नौकरी की। बाद में नौकरी से त्याग पत्र देकर हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादक बने और सन 1920 तक उसके संपादन में जुड़े रहे। द्विवेदी जी एक व्यक्ति नहीं वरन एक संस्था थे। वह हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्व वेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, चिंतक, समालोचक, लेखक और अनुवादक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है।
रसज्ञ रंजन, साहित्य शिकार, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला बोध आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। द्विवेदी काव्य माला में उनकी कविताएं संग्रहित हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली में 15 खंडों में प्रकाशित है। द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्करण किया और व्याकरण तथा वर्तनी के नियम स्थिर किए। ब्रजभाषा का स्थान पर उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया। सरस्वती के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता का श्रेष्ठ रूप सामने रखा। हिंदी समालोचना को पहली बार उन्होंने स्थापित किया। भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोजपरक कार्य किए। वह विद्वान एवं बहुज्ञ साहित्यकार थे। सरसता एवं व्यंगात्मकता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। इस महान विभूति ने 1938 ईस्वी में अपना देह त्याग किया। इसी के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भी लेखा परिचय पूरा हुआ। धन्यवाद।